मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सेज यूनिवर्सिटी की 22 छात्राओं की मेस में बने बासी व दूषित खाना खाने की वजह से बीमार हो गई। उन्हें इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 9 छात्राओं को तुरंत इलाज देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है तो वहीं 13 छात्राओं का इलाज अभी भी जारी है। बता दें कि यह मामला राउत थाना क्षेत्र स्थित सेज यूनिवर्सिटी का है, जहां एक बार फिर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले तकरीबन 22 छात्रा दूषित खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जहाँ छात्राओं का कहना है कि उन्हें हॉस्टल में मौजूद प्रबंधक ने सुबह का खाना देर रात को दिया है और उसके खाते ही थोड़ी देर बाद अचानक से उल्टी और चक्कर आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने हॉस्टल प्रबंधक को पूरे मामले की जानकारी दी तो उन्होंने छात्राओं को हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर हॉस्टल प्रबंधक का कहना है कि छात्राओं ने बाहर का दूषित खाना खाया है, जिसके कारण वह बीमार पड़ी हैं। बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आ चुकी है, जिसके कारण कई बार छात्र छात्राओं के जीवन पर बनाई है। उधर मामले में अभी तक यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रबंधन का किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो कैंटीन है वह प्राइवेट ठेके की ही बताई जा रही है, जिसके द्वारा छात्र छात्राओं को अमानक स्तर का भोजन परोसने की बात सामने आ रही है। कुछ नहीं, वो कल का खाना खाया था, मतलब सुबह का खाना था रात में, तो शायद उसी वजह से हुई है सबको। सुबह तो कुछ नहीं खाया था। रात में क्या खाया था आपने, कौन से कॉलेज में ये घटना हुई, क्या हुआ? ये सेज यूनिवर्सिटी में। क्या खाया था खाने में? खाने में वही जो नॉर्मल बनता है, पूरी और सब्जी थी। क्या पुराना खाना खिला दिया? नहीं, मतलब सुबह का था, सुबह का तो रात में खिलाया था। रात में। मेरा नाम डॉक्टर राजेश लेखी है, मैं प्रबंधक हूँ ANS हॉस्पिटल का। और आज दिनांक 17 अप्रैल को करीब 22 बच्चे बीमार होकर और अस्पताल में आए, हमने तुरंत उनका इलाज किया। उसमें से करीबन 13 बच्चों को हमने अस्पताल में भर्ती किया, जिसमें से एक बच्चा ICU में भी भर्ती है। करीब 9 बच्चों को OPD में इलाज हुआ। अभी सभी बच्चों की हालत स्थिर है, उनका इलाज चल रहा है। क्या मामला सर आया था, क्या किस वजह से? बच्चों ने ये बताया कि वो लोग सेज यूनिवर्सिटी से आए हैं और सेज यूनिवर्सिटी के कैंटीन में उन्होंने भोजन किया था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई, उल्टी, दस्त, घबराहट, बेचैनी और बेहोशी की हालत में बच्चे अस्पताल में आए। सर कौन लेकर आया था, कुछ मालूम चला? स्वयं आए थे बच्चे, कुछ बच्चे स्वयं आए हैं, कुछ बच्चों को लेके वार्डन आई थी, जो वहाँ के हॉस्टल की वार्डन है वो लेकर आई थी। हमने सभी बच्चों के परिवार को सूचित कर दिया है।